दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर 3 देखेंगे। हमने सोचा कि सबसे पहले पॉलिटी ख़त्म कर लेते हैं, 10 दिन में आपका पॉलिटी हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी में हाथ लगा देंगे। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा ब्रॉड है, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ ज्योग्राफी का भी लेक्चर आते रहे, लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा हो जा रहा है। पूरा NCERT 11th 12th का वो सिलेबस है, और NCERT 11th 12th 4 बुक पढ़े जाते हैं 11th 12th में। तो पहले हम पॉलिटी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और जस्ट इसके बाद ही ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। मतलब कि आपकी एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले सारा सिलेबस ज्योग्राफी पॉलिटी का ख़त्म होगा। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं और स्रोत दोनों देख लेंगे। ये दिया हुआ है सिलेबस में, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये सब हम लोग ख़त्म कर लिए। डेवलपमेंट मैंने हिस्ट्री ख़त्म कर लिए इसका। यहाँ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, मतलब संविधान का स्रोत क्या है। और ये असेंबली भी हम लोग संविधान सभा ख़त्म कर लिए हैं, ये भी ख़त्म। इसके बाद प्रीएम्बल आएगा, प्रीएम्बल इसका लास्ट होगा। हो सकता है कि शाम में ही प्रीएम्बल का आपको लेक्चर मिल जाए। तो अभी इस लेक्चर का देखिए, ये इस लेक्चर से दो क्वेश्चन तो मानिए कि आना ही आना है, मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम नहीं, दो से कम नहीं आएगा इससे क्वेश्चन, दो आना तय है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जो भी सेट देते होंगे यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन निकलता होगा, जो भी सेट देते होंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अनेक संविधानों से अलग करती है या अलग पहचान देती है, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए, इसका लिखित और विस्तृत संविधान है, ये तो प्रमुख विशेषताएं में आप लिखित और विस्तृत संविधान जानते हैं। भारत संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, मैंने उसके बारे में बताया भी, संविधान सभा को पढ़ा चुका हूँ, एक लिखित संविधान है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य, क्योंकि वहाँ पर भी एक संविधान सभा ही अमेरिका के भी संविधान सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, मतलब ब्रिटेन का, जहाँ से हम लोग संसदीय प्रणाली लिए हैं। मूल संविधान में एक प्रस्तावना थी, ठीक, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था एक प्रस्तावना थी, और 395 अनुच्छेद, पूछ देता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थी, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन धीरे धीरे ये बदलते गया और अभी 365 अनुच्छेद आ गया। देखिए, अनुच्छेद ये नहीं है कि अनुच्छेद बढ़ गया कि 412 अनुच्छेद आ गया, ऐसे नहीं है। अनुच्छेद बढ़ने का मतलब जैसे कि आर्टिकल 21 था, जीवन की स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है, उसी में आर्टिकल A21 के A जुट गया, तो ये भी तो एक बढ़ गया, ये भी एक आर्टिकल बढ़ा, वैसे ही बढ़कर कितना हो गया, तो 400 लगभग 65 हो चुके हैं अभी, और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, अलग अलग बुक में अलग अलग दिए रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा ये नहीं बहस नहीं करना चाहिए कि इतना इतना है, लेकिन लगभग इतना है। विश्व में किसी भी देश का इतना विस्तृत संविधान नहीं है, पता है आपको। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा, ऐसा ऐसा वर्ड दिया उसमें, और बचने का ऐसा ऐसा तरीका है कि ऐसे नहीं ऐसे बच जाएंगे, और इसलिए इसमें वकील सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है भारतीय संविधान को। अब संविधान की प्रस्तावना देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं कि संविधान की जो है कि किस तरह का संविधान है इंडिया में, ठीक। एक संविधान का क्या होता है, प्रकृति होता है ना, कि कैसा संविधान है, लोग पूछ सकते हैं कि कैसा संविधान। देखिए, संविधान में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, संविधान की हम विशेषता में देखेंगे तो बहुत कुछ दिया है। एकल नागरिकता है यहाँ पर, ये नोट करते चलिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए, ये सब मैं कराने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, ऊपर मैंने दिखाया, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, और मैं यहीं पर सब बता देता हूँ आपको। प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या बताता है, प्रस्तावना बताता है संविधान का कैसा है, उसका मूल छोटा सा एक कुंजी के रूप में है, और वहीं बता देता है कि संविधान किस तरह का है। प्रभुत्व संपन्न हम लोग का समाज है, राज्य है, ठीक, प्रभुत्व संपन्न, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, किसी के अंदर हम लोग गुलाम नहीं है, वस्तुतः UNO और राष्ट्रमंडल के हम लोग सदस्य हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना कोई भी डिसीजन लेने में किसी के दबाव महसूस करते हैं, जी नहीं। लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक, भारत में लोकतांत्रिक है, ये तो प्रस्तावना में ही दिया है, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, ठीक, ऐसे गणराज्य है, रिपब्लिक है, मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुन कर जाते हैं ना, कि ब्रिटेन की तरह, राजा की तरह, ब्रिटेन में जो अभी भी है राजतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ के जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति नहीं होते, वो राजा होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समतुल्य हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप ये भी, ये संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार हम ब्रिटेन से ही लिए हुए हैं, संसदीय, जिसे हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, ठीक, इंग्लैंड में इसे इसी नाम से जाना जाता है। और इसका मंत्रिपरिषद जो होता है उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मूल अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, 4 भाग में है,
ऐसे कर कर बहुत है, जैसे कि जो भी आप लिख सकते हैं जिस संविधान के बारे में जितना आप जानते हैं वो विशेषता बनाकर आप लिख सकते हैं जो अच्छाई है इसका। कठोर और लचीला संविधान है, एकल नागरिकता है, केंद्रमुखी संविधान है, केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव है, इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक। मूल संविधान में 42वां संविधान संशोधन कर कर ये जोड़ा गया था, और फिर मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, 4 के क में जोड़ा गया, या 4 के ए बोल सकते हैं आप, भाग 4 के ए में। तो ऐसे कर कर तब बहुत से विशेषता आप खुद ही बता सकते हैं, जब पूरा संविधान आप पढ़ लीजिएगा तो खुद ही बताने लगिएगा। पर इसका प्रकृति कैसा है, इसका प्रकृति ऐसा नहीं ना है, एकात्मक है और संघात्मक, दो तरह क्या होता है, यूनिटरी और फेडरल, दो तरीके संविधान होते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसे लेकर विद्वानों में ऑलवेज मतभेद रहा है, ठीक। कुछ विद्वानों इसे संघात्मक माना है क्योंकि भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, और इसी चलते केंद्र और राज्य शक्तियों का मध्य के बीच विभाजन है और वह एक ही संविधान में दिया हुआ है, इसीलिए इस ये विस्तृत हो गया है। क्या हो गया है, भारत के संविधान बहुत लंबा, विश्व में सबसे लंबा और बड़ा संविधान है, ठीक। विश्व के सबसे बड़ा संविधान पूछ दे तो किसका संविधान है, भारत का संविधान है, ठीक। तो ये लंबा हो गया है इसीलिए क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का शासन एक ही संविधान में दिया है, लेकिन ऑल भी फेडरल देखेंगे जैसे अमेरिका में दिया हुआ है, केंद्र का अलग संविधान है, हर एक राज्य का जो 50 अलग अलग राज्य हैं उनका अलग अलग संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, सबका एक ही है, इसीलिए लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर मध्य शक्तियों का विभाजन है और सरकार अपने अपने काम करता है, केंद्र सरकार अपना काम करता है और राज्य सरकार अपना काम करता है। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है क्योंकि अधिकांश शक्तियाँ केंद्र में है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं अधिकांश संख्या केंद्र में है, जैसे कि आपातकाल या जो भी शक्ति केंद्र का शक्ति होता है कि राज्य पर भी वो कानून बना सकता है, राज्य में जो भी विषय है और समवर्ती सूची में भी विषय उस पर भी बना सकता है, तो ऐसे एकात्मक में ज़्यादा दे दिया गया है फोर्स। देखिए वस्तुतः पूछा जाए तो एकात्मक ही ज़्यादातर है, एकात्मक के तरह ही ज़्यादा झुकाव है भारतीय संविधान में, केंद्र मजबूत है और रहना भी चाहिए, अगर बिखराव नहीं चाहिए, राज्य अलग अलग टूट कर बोलने लगेंगे हम अलग देश बनना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक मामला भी आया था, देखिए SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने मत दिया था कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, मतलब दोनों का सम्मिश्रण है, कॉन्फेडरेशनल है, ठीक, परिसंघनात्मक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन है भारतीय संविधान, तो परिसंघनात्मक है, आप मारिएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत दिया हुआ है कि उनका क्या है मत, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग जो पॉलिटिशियन है उनका मत दिया हुआ है, ये जरूरी नहीं है, KC Beyer ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये दे देता है कि कौन अर्धसंघीय संविधान का क्वासी फेडरल कहता था, KC Beyer कहा था, तो इतना नहीं देगा आपको, ये कॉन्स्टेबल एग्जाम है, कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं UPSC के दे देता है, 4 गो आपको दे देगा स्टेटमेंट और पूछ देगा किसका है। आचार्य दुर्गादास जो बड़ा पॉलिटिशियन थे वो भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जानकार थे। राज्य मन्नार समिति जो 1971 और सरकारी आयोग जो कि केंद्र राज्य में संबंध बताने के लिए जो सुन किया गया था वो भी बताया कि ये परिसंघीय है। तो आप ज़्यादातर मारिए कि भारतीय संविधान क्या है, परिसंघीय है। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी है, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी है ना, शक्तियों का बंटवारा केंद्र में है, केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है, केंद्र राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है, उसमें किसी भी राज्य की सहमति नहीं चाहिए, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये नहीं कि राज्य का अलग नागरिकता केंद्र का अलग नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता चलता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, जो भी राज्यपाल का अलग अलग राज्य के वो केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये कौन लगाता है, राष्ट्रपति ही लगाते हैं, 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं आर्टिकल 352 के तहत, फिर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात, जबकि राष्ट्रीय आपात 3 बार अभी तक लगा चुका है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, संविधान संशोधन करने का पहला अधिकार केंद्र के पास ही है, लोकसभा राज्यसभा में पहले आना चाहिए। एकीकृत न्याय व्यवस्था है कि जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फेडरल कोर्ट अलग अलग है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों को दुर्लभ स्थिति है, ऐसा अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका में फेडरल क्या है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट होंगे, वो अपना अलग अलग डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे दिया उसको देख कर हाई कोर्ट को डिसीजन देना है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशन होगा, वो किसके पास शक्ति रहता है रिलेशन बनाने को, केंद्र के पास रहता है। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप है, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अभी कोई भी आपके विदेश से कोई भी पुरस्कार भी मिल रहा है तो पहले राष्ट्रपति का हामी चाहिए, तभी आप वो पुरस्कार ले भी सकते हैं, नहीं तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक।
संघ में राज्यों का निर्देश देने की शक्ति है, संघ में राज्यों का निर्देश देने की शक्ति है, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है, अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रतिनिधि है, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, जैसे अमेरिका में क्या है, हर एक राज्य में राज्यसभा के सीट का है अलग अलग नहीं है, सबको समान सीट दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया गया है अलग अलग। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण अखिल भारतीय सेवा, जैसे UPSC जो एग्जाम लेता है, IAS IPS IFS, ऐसे करके जो एग्जाम लेता है वो केंद्र सरकार के अंदर ही जो UPSC है वही एग्जाम लेता है, उस पर ज़्यादा हावी रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति, केंद्र की भूमिका है, उच्च न्यायालयों में भी केंद्र की ज़्यादा भूमिका है। और भारतीय संविधान में संघात्मक मतलब फेडरल क्या है, संघात्मक लक्षण, तो लिखित संविधान है सबसे बड़ा, लिखित संविधान है, ठीक। संघात्मक में कोई भी संघात्मक होगा तो लिखित संविधान होना तय ही है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान इसमें सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, ये नहीं कि यहाँ पर क्या है संसद सर्वोच्च नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में क्या है संसद सर्वोच्च है, वैसे यहाँ पर क्या है संविधान सर्वोच्च है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक, लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ किस में है तो संघ में निहित है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र तो न्यायपालिका ही भी किया है, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर से नीचे तक आते जाते हैं, डिट्री बनते जाता है, तो इसलिए क्या है वो ज़्यादातर झुकाव एकल की तरफ है। केंद्र और राज्यों को पृथक सरकार है, केंद्र और राज्य का अलग अलग सरकार भी होते हैं। संसद में उच्च सदन की उपस्थिति है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा, ये सब क्या है, ये फेडरल के रूप है, ठीक। तो उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी ऐसे तत्व है जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वो संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे भारत में दलीय स्वरूप है, अलग अलग दल, प्रधानमंत्री की करिश्माई व्यक्तित्व है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन कहीं भी जाते हैं तो अपने ओर आकर्षण कर लेते हैं। योजना आयोग है, अभी स्थान पर उसका नीति आयोग आ गया योजना आयोग के स्थान पर। राष्ट्रीय विकास परिषद है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। संविधान में जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है, किंतु राज्यों के मामले में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किए जाना हारे समय संविधान का लक्षण नहीं है। केंद्र तो ज़्यादा मजबूत होता है लेकिन राज्य में ज़्यादा हस्तक्षेप करे ये भी संविधान में नहीं लिखा गया है, नहीं ये लक्षण है संविधान में, लेकिन फिर भी कर ही देता है, लोग नेता लोग है, चोर होता है। वस्तुतः तो भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघीय है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि ये दोनों का समन्वय है, इसीलिए इसे परिसंघीय कहा गया है या अनोखा परिसंघीय है। यहाँ देखा देख रहे हैं ना, तो परिसंघीय हमारा संविधान है। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश के हित सर्वोपरि हो। संघीय सिद्धांत में देश का हित सर्वोपरि हो, राज्य अपना अलग शासन करे और केंद्र अपना अलग शासन करे, दोनों के बीच हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए शासन में, शासन के बागडोर में। अब हम लोग ये देख लिए, इसकी विशेषता देख लिए कि संविधान का हम लोग का विशेषता क्या है। अब लोग हम लोग संविधान के स्रोत भी देखेंगे, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से स्रोत याद करने के लिए बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग जापान से देख लेते हैं, मात्र जापान से एक ही चीज़ लिया गया है, क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 14 में है कि हम लोग क्या करना है, सबको विधि के समान समता मिलेगा, वहाँ पर दो प्रकार के दिया गया है, एक इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक, वो कहाँ से लिया गया है तो जापान से लिया गया है, और जर्मनी से क्या लिया गया है तो आपातकालीन उपबंध लिया गया है, जो कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 है। इसमें क्या है, जर्मनी से जो हम लोग लिए हैं ये आप नोट में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, आपका ये मिल जाएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा, उस पर अभी काम चल रहा है कि जहां से आप जब से शुरू हुआ है तब से आप PDF डाउनलोड कर लें, वो सब काम चल रहा है आपको, और आपको ये भी हो रहा है कि आप कहां से PDF लगाकर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक, एक्यूरेसी बना सकते हैं, वो सब चल रहा है काम, वो जल्द ही आप पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जर्मनी के संविधान से हम लोग आपातकालीन उपबंध लिए हैं, तो याद रखिएगा आपातकालीन उपबंध कहां से लिए हैं, और आपातकालीन कौन लागू करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका के संविधान से हम लोग को क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से पूछ देखता है कि अमेरिका के संविधान से, यहाँ पर पहले फिर से देख लीजिए, जापान के संविधान से हम लोग स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं, जर्मनी के संविधान से हम लोग आपातकालीन उपबंध लिए हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान के प्रस्तावना में ही था, ठीक, ये हम जैसे कि वहाँ पर जो था वो वहाँ से ही हम लोग उठाए हैं, हम भारत के लोग जैसे हैं, वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार जो आर्टिकल जो कि भाग 3 में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट हम लोग जिसे हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुरलोकन है, न्यायिक पुरलोकन का सिद्धांत, ये भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है
जो प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत, जो विशेष बहुमत से हटाया जा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, वो भी वहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, महाभियोग जो लगाया जाता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी उपस्थित हो जाता है 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है, तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं, वहीं से लिए गए हैं। देखिए जैसे भारत में वास्तविकता शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है ना, वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पर, यहाँ पर संसदीय शक्ति है, यहाँ पर क्या संसदीय गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, जो कहाँ से हम लोग लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। तो संसदीय सरकार में जिसे हम चुन कर भेजते हैं ना लोकसभा में, लोकसभा के प्रमुख जो दल का नेता होता है ना वही प्रधानमंत्री बनता है और उसके पास वास्तविक शक्ति रहता है। और जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, संघात्मक जो सरकार होता है, वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कहलाता है, वो सब राष्ट्रपति सरकार कहलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति में सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है 4 साल के चुने जाते हैं, 4 साल के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा शक्ति है, ठीक। लोक जनहित याचिका PIL जो भगवती साहब ने लाया था वो भी कहाँ से हम लोग लिए हैं, अमेरिका से ही लिए हैं कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करे ज़्यादा से ज़्यादा। न्यायिक परलोकन प्रणाली भी वहीं से लिए हैं, उपराष्ट्रपति पद की जो विशेषता वहीं से लिए हैं, उपराष्ट्रपति पद जो कि वेंकैया नायडू अभी हैं, ठीक, जो कि हम लोग के संविधान में उपराष्ट्रपति पद नहीं दिया हुआ है, किस क्या दिया है, राज्यसभा के सभापति दिया हुआ है, तो राज्यसभा के सभापति ही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, मैं बार बार ये बताता हूँ। वित्तीय आपात भी, वित्तीय आपात जो लागू किया जाता है, जो वित्तीय आपात है वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, आर्टिकल 360 के तहत, वो भी हम कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग विधि के शासन लिए हैं, विधि द्वारा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जैसे जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पर विधि के शासन दो दिया है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक। संसदीय प्रणाली जो लिए हैं, सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि संसद, जो लोकसभा जो निचला सदन होता है उसके जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुन कर भेजते हैं उसका नेता होते हैं। एकल नागरिकता दिया हुआ है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। विधि निर्माण प्रक्रिया है, विधि के निर्माण प्रक्रिया होता है, जैसे लोकसभा में राज्यसभा बहुमत साबित कर, ठीक, बहुमत से किसी भी कानून बनाकर। स्वार्थिक मत के आधार पर चुनाव का जीत है, सबसे ज़्यादा जो मत होता है उसके आधार पर चुनाव का जीत है, लेकिन अमेरिका का चुनाव प्रणाली आप देखिएगा तो ये व्यवस्था नहीं है अमेरिका में, ठीक। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका है, विधायिका में भी अध्यक्ष पद की भूमिका है, कौन अध्यक्ष रहेगा। संसदीय विशेष अधिकार है, संसद के जो लोग होते हैं उनको विशेष अधिकार भी दिया गया है। अब रूस के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं, जो कि कौन 1976 में जोड़ा गया, इसे कौन संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे हम लोग जोड़े थे, इंदिरा गांधी के राजसा, ठीक। अभी कितना मूल कर्तव्य है, तभी 11 मूल कर्तव्य है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे अलग से, मूल कर्तव्य जो होगा, मूल अधिकार जो होगा, राज्य की नीति निर्देशक, तो इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है, प्रस्तावना में भी न्यायिक आदर्श दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में किस तरह संशोधन किया जाता है, संविधान में दो प्रकार के संशोधन किया जाता है, सिंपल संविधान संशोधन जो 368 के अंतर्गत आते हैं, वो विशेष संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि सिंपल संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता 368 के तहत। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, कहाँ से सदस्य चुनकर आते हैं। फ्रांस के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ये आ सकता है। गणतांत्रमक व्यवस्था, गणतांत्रमक व्यवस्था माने कि जो हम लोग का प्रमुख होगा, जो नाम के मात्र प्रमुख है लेकिन प्रमुख होगा, वो भी चुन कर जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से, जैसे राष्ट्रपति हुए। स्वतंत्रता समानता या बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से हम लोग लिए हैं, स्वतंत्रता समानता या बंधुत्व या भाई के सिद्धांत हम लोग कहाँ से लिए, भ्रातृत्व का सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, तो ये भी फ्रांसिस जो क्रांति हुआ था फ्रांसीसी, वहीं से हम लोग लिए हैं। ये कब हुआ था, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसी समय से हम लिए हैं। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से इंपोर्टेंट लिए है राज्य के नीति निर्देशक तक, तो जिसे हम लोग DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हम वहीं से लिए हैं, राष्ट्रपति की कैसे निर्वाचन पद्धति होगा। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति करते हैं ना नामांकन 12 विशेष क्षेत्र से, वो कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो समवर्ती सूची, राज सूची होता है, केंद्र सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ये कहाँ से लिए हैं, तो समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। व्यापार वाणिज्य और समागम का स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी यही लिए हैं कि एक देश एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से व्यापार हो,
संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, क्योंकि अभी कौन है? सुमित्रा महाजन है। और लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ये बैठक भी कौन है, ये कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गतिरोध दूर करने के लिए। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यही हम लोग का पूछ सकता है कि जो GST लागू हुआ था वो कहाँ लागू हुआ था, किस मॉडल पर लागू हुआ था? तो वो कनाडा के मॉडल पर लागू हुआ था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था पर लागू हुआ था। मतलब कि केंद्र और राज्य में जो रिलेशन हो वो हम लोग का कौन सा रिलेशन पर आता है? तो कनाडा के मॉडल पर। शक्तियों का वितरण और अपशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होती है, ये तो आपको पता है। शक्ति वितरण है, राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग और समवर्ती सूची के लिए, लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ जो बच जाती है वो केंद्र में ही निहित हो जाती है। ठीक, राज्यों में राज्यपाल द्वारा केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यों में जो राज्यपाल है वो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी कनाडा के से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श न्याय निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय से अगर परामर्श लेना है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं ना, वो भी कनाडा से लिया गया है। अध्यक्षात्मक विवेचता जो है, अंधात्मक व्यवस्था है, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे कर ये इम्पोर्टेंट जो है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ से लिए गए हैं, भारत जैसे कि दे देगा मौलिक अधिकार किस कौन से देश से संविधान से लिए गए हैं, तो USA से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मैंने पहले ही यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। चार ऑप्शन दे देगा और वहीं पूछ देगा उसमें से। ठीक, तो ये रहा आपका वीडियो विशेषता, और ये आपका जो स्रोत है कहाँ से लिया गया संविधान का। और मैं इसमें और एक बात जोड़ देता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक, और एक जान लीजिए कि जो हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था, आप नोट करते चलिए रुक रुक कर वीडियो को। तो 22 जुलाई 1947 को हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, याद रखिए, डेट दे देता है। ठीक, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मात्र 3:2 है। ठीक, और इसमें क्रमशः केसरिया रंग होता है, और सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ है, और सफ़ेद रंग में 24 जो है तिलियों का चक्र है एक, जो कि नीला रंग का चक्र है। कौन है? नीला रंग का चक्र है। ये भी पूछ सकता है किस रंग का चक्र होता है। ठीक, और ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला झंडा कहाँ फहराया गया है? तो पहले अटारी में फहराया गया था, अटारी जो है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर पर है, 5 मार्च 2017 को फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है जो अभी बता रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का अशोक स्तंभ से, सारनाथ से लिए गए हैं, सत्यमेव जयते आपको पता होगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक, और जो चक्र है उसमें जो 24 तिलिया है वो 24 घंटे बताते हैं, एक तिलिया एक घंटे के बराबर होता है। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, जिस समय संविधान लागू हुआ था, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस समय 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है? तो मुंडो उपनिषद में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में, कि सत्य का ही ऑलवेज जीत होता है, हमेशा विजय होता है। राष्ट्रगान हम लोग का कौन कहा? तो ये मैं बार बार बताते चलता हूँ, तभी जो बताया उतना ही ठीक है, फिर आगे मैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय वृक्ष इस सब पर बता दूंगा अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और ऐसे कर आपको लगभग प्रस्तावना पर भी आएगा, शाम तक वीडियो एक प्रस्तावना पर भी आएगा, और पॉलिटी को 10 दिन में हम खत्म कर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अब रिवीजन भी लगा लें। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।